एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खोरदा। विषय हिंदी, विषयांग है व्याकरण विभाग का कर्तृवाचक संज्ञाएं। तो कर्तृवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो कर्तृवाचक संज्ञा की परिभाषा हम यहाँ पे देखते हैं कि कर्तृवाचक संज्ञाएं क्रियाओं से बनती है। जो क्रिया होती है उनसे ये कर्तृवाचक संज्ञाएं बनती है। ये संज्ञाएं क्रिया को करने वाले कर्ता का बोध कराती है, इसलिए उन्हें कर्तृवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वाक्य में रामदास चौकी करता है, और दूसरा है रामदास चौकीदार है। तो यहाँ पहले वाक्य में चौकी रामदास चौकी करता है, और दूसरा जो वाक्य है कि रामदास चौकीदार है। तो यहाँ पे चौकी करना एक कार्य है जो व्यक्ति चौकी करता है और उसे चौकीदार कहते हैं। चौकी करना क्या है? एक कार्य होता है, और जो चौकीदार जो व्यक्ति चौकी करता है उसे चौकीदार कहते हैं। वहाँ हिंसा की निंदा करता है, वहाँ हिंसा का निंदक है। तो यहाँ पे शब्द समूह निंदा करता है और शब्द निंदक दोनों का एक ही अर्थ है। जो व्यक्ति निंदा करता है उसे निंदक भी कहा जाता है, यानी जो व्यक्ति निंदा करता है उन्हें निंदक कहते हैं। श्रीमती सरिता अध्यापन कार्य करती है, श्रीमती सरिता अध्यापिका है। तो यहाँ पे अध्यापन कार्य करती है, और दूसरे वाक्य में शब्द अध्यापिका समानार्थी शब्द है। तो जो महिला अध्यापन कार्य करती है, अध्यापन कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? अध्यापिका कहते हैं, और जो पुरुष हो तो उसे अध्यापक कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि चौकीदार, निंदक और अध्यापिका ये संज्ञाएं क्रिया करने वाले अर्थात कर्ता का बोध कराती है, इसलिए ये कर्ता कर्तृवाचक संज्ञाएं है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कर्तृवाचक संज्ञा वास्तव में शब्द समूह के लिए एक शब्द का ही रूप है। तो यहाँ पे प्रशंसा करने वाला तो उसे क्या कहा जाता है? प्रशंसक। शासन करने वाला शासक। जो उपासना करता है हो तो उसे उपासक कहा जाए। जो खेल खेलता है हो उसे खिलाड़ी। तो यहाँ पे हम शब्द समूह के लिए एक शब्द जो बनाए जाते हैं उन्हीं का एक रूप है। कर्तृवाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। कर्तृवाचक संज्ञा प्रायः या क्रिया से बनाई जाती है। कर्तृवाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्द में प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि ताड़ी प्लस बाज, ताड़ी बाज। पथ प्लस एक पथिक, सेवा प्लस एक सेवक। अध्यापन प्लस ए अग, अध्यापक अग पीछे अग और अध्यापन आगे प्रत्यय। चर्म प्लस आर चमार, भीख प्लस आरी भिखारी। तो यहाँ पे हमने ये जो कर्तृवाचक संज्ञा का निर्माण और उनमें से जो प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं वो हमने देखे। यहाँ पे दूसरा जो शब्द है प्रत्यय शब्द और कर्तृवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे हम 6 से 8 कक्षा के छात्रों को ध्यान से यहाँ पे देखना है, फिर प्रत्यय लगा के शब्द और शब्द में से कर्तृवाचक संज्ञा जो बनानी है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक तो यहाँ पे सेवा सेवक अग, यहाँ पे प्रत्यय अग लगा है, शब्द सेवा है और सेवक अग। बाधा बाधक, दर्शन दर्शक, परीक्षा परीक्षक, तो पीछे ये प्रत्यय अग लगता है, सेवक बाधक दर्शक और परीक्षक। अभी अक्कड़, तो पीना पिक्कड़, भूलना भुलक्कड़, घूमना घुमक्कड़। तो यहाँ पे पीछे अक्कड़ शब्द यानी प्रत्यय लगा हुआ है। अभी आर प्रत्यय लगाने से शब्द और कर्तृवाचक संज्ञा क्या बनती है वह देखते हैं। खरीदना खरीददार,
लोहा लोहार या लोहार, चमड़ा चमार। ई प्रत्यय लगाने से शिकार शिकारी, राहा राही, अत्याचार अत्याचारी। अब ई प्रत्यय लगाने से पथ शब्द है, यहाँ पे से पथी कर्तृवाचक संज्ञा बनी है। दर्शन दार्शनिक, विज्ञान वैज्ञानिक। कार प्रत्यय से साहित्य साहित्यकार, नाट्य नाटक नाटककार, संगीत संगीतकार। तो यहाँ पे कर्तृवाचक संज्ञा हमें शब्द में से कर्तृवाचक संज्ञा भी हमने यहाँ पे शब्द में देखा। अभी ता प्रत्यय लगने से निर्माण निर्माता, करना करता। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे सब प्रत्यय से शब्द बने हैं और शब्द में से कर्तृवाचक संज्ञाएँ बने हैं। घर गिरी गिरिधर, धर यहाँ पे तो गिरी गिरिधर, मुरली मुरलीधर, हल हलधर। आड़ी प्रत्यय लगाने से खेल खिलाड़ी, वान प्रत्यय लगाने से गाड़ी गाड़ीवान, आस्था आस्थावान। दार प्रत्यय लगाने से चौकी चौकीदार, लेन लेनदार, देना देनदार। गर सौदा सौदागर, जादू जादूगर। ची प्रत्यय लगाने से बंदूक बंदूकची, नकल नकलची, ची। अभी आरा, आरा प्रत्यय लगाने से हत्या हत्यारा, घास घसियारा। आरी प्रत्यय लगने से पूजा पुजारी, जुहा जुहारी। अभी बाज प्रत्यय है, वो बाज प्रत्यय लगने से शब्द गुस्सा धोखा निशाना। तो यहाँ पे गुस्सा में से गुस्सेबाज, धोखा में से धोखेबाज और निशाना में से निशानेबाज। यहाँ पे बहुत सारे प्रत्यय है और हमने प्रत्यय के बारे में भी देखा। तो आठ से छः से आठ कक्षा के छात्रों को ये जो प्रत्यय है, प्रत्यय में दूसरे और भी यहाँ पे जो प्रत्यय है, प्रत्यय में से दूसरे शब्द बनाना है, उनमें से कर्तृवाचक संज्ञा के शब्द इस तरह यहाँ पे हमने जो बनाए हैं, ऐसे कर्तृवाचक संज्ञा के शब्द बना के, पहले प्रत्यय है फिर शब्द है फिर कर्तृवाचक संज्ञा बना के अपनी नोटबुक में लिखना है और उनका अभ्यास भी करना है। थैंक यू।